देखो, हम लोग आज टारगेट का सेट नंबर थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका जो है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x+b बराबर 0 का विभेजक होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना है। और हमें इक्वेशन जो गिवन है वह दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। ठंड में पेन भी नहीं चल रहा है, तो दूसरा पेन लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+b बराबर 0, और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। d बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, b² - 4ac, ठीक है, यही निकालना है हमें। b² - 4ac क्या होगा, तो b के जगह पर तुम लोग देख सकते हो 4 है, तो 4 माइनस 4 इंटू ए के जगह पर कुछ नहीं, मतलब 1 छुपा हुआ है, और c के जगह पे है क्या, b इज इक्वल टू 0, सॉरी। तो रिजल्ट में क्या मिलता है, 4 का स्क्वायर 16 - 4b, ऐसा ऑप्शन तुम लोग को कहीं दिख रहा है, तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, यदि केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त में एंगल ए ओ बी थीटा है, तो चाप ए बी की लंबाई होगी। देखो चाप की लंबाई की बात हो रही है, ध्यान से समझना। चाप यानी कि लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, वो डिपेंड करता है थीटा पे। और आर्क जो होता है सर्कल के सरकमफ्रेंस से लिया जाता है, और सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr। इसमें का कुछ पोर्शन लेना है, वो एंगल है थीटा। नाम है इसका ओ, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ठीक है। तो हमें ए बी लेंथ निकालना है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा पे। टोटल एंगल बनता है 360। 360 अगर इसको काट दिया जाए तो बन जाएगा 180 डिग्री, तो कहलाएगा थीटा पाई आर बट्टा 180 डिग्री, या इसको ऐसे भी लिख सकता है पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री। ऐसा ऑप्शन तुम लोग को विकल्प देखो कहाँ दिख रहा है, 180 थीटा पाई आर थीटा बट्टा 180 ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, यदि बहुपद x² + ax + b के शून्य के बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो, बराबर हो लेकिन विपरीत चिन्ह के हो, तो a का मान क्या होगा। बराबर हो और विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान क्या निकल के आएगा, तो 0 निकल के आना चाहिए, ठीक है, क्या निकल के आना चाहिए, 0, ऑप्शन सी होना चाहिए इसका। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा था, शून्य के बराबर है और लेकिन चिन्ह दूसरा है, चिन्ह दूसरा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान शून्य के अल्फा का वैल्यू सपोज दैट मान लो 2 लेता है, बीटा का भी वैल्यू 2 लेता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, चिन्ह अलग है, एक प्लस है तो एक माइनस के चिन्ह के साथ है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, ए का वैल्यू क्या निकल के आएगा, ए का वैल्यू क्या निकल के आएगा, ध्यान समझना, बहुत आसान लगेगा। के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये इसका एक फॉर्म होता है ना, बराबर किसके करते हैं हम लोग, 0 के। देखो अल्फा और बीटा के जगह पर हम लोग वैल्यू डालते हैं, अल्फा की जगह पर लेट सपोज कि मान लेते हैं हम लोग 2 डालते हैं, और बीटा की जगह -2 डालते हैं इंटू एक्स। तो ध्यान समझना, 2 में से 2 गया तो 0 इंटू एक्स बन गया। तो एक्स का कोफिशियंट क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ए है, और ए हमसे पूछा जा रहा था, तो ये क्या बन गया है, 0 बन चुका है। बात समझ में आ गया होगा, कुछ भी वैल्यू लेंगे अपोजिट साइन का तो हमें 0 ही रिजल्ट मिलेगा, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्य 0 और 5 है, जिसके शून्य 0 और 5 है, यानी अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू क्या है, 5। अभी तुरंत ये चीज देखे थे, इसी में जाकर के पुट करेंगे, ठीक है। कॉन्स्टेंट के जो होता है, जो डिवाइड में आता है, अगर यही चीज पट्टा के फॉर्म में होता तो के उसके जगह पर, मान लो कि किसी के यहाँ पर 5/2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो के को भूल जाते थोड़ा देर के लिए, हम लोग एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह पर 0 और बीटा की जगह पर क्या डालते हैं, 5 × x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 0 × 5, 0 × 5। देखो रिजल्ट क्या मिलता है, x² 0 और 5 जोड़ने पर 5 माइनस का 5x, ये 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन गया,
जीरो, यानी रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, ऑप्शन बी। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखना, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या, एक धातु का पाइप है, बाह्य त्रिज्या की बात हो रही है, सब कोई देखा होगा पाइप का अंदर से जो दिखाई दिखता है वो, और जो बाहर से दिखता है वो, साइज में थोड़ा अंतर दिखता है क्योंकि उसमें मोटाई होता है, कुछ थिकनेस होता है पाइप के अंदर। ये तो अंदर का जो त्रिज्या है वह है 3, आंतरिक का मतलब होता है इंटरनल रेडियस जो है वह 3 सेंटीमीटर का, एक्सटर्नल मतलब बाहर तक का 4 सेंटीमीटर का रेडियस है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर रेडियस, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर 8 हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर की है, और बोल रहा है इसका आयतन क्या है, यानी कि बड़का सिलेंडर में से छोटका सिलेंडर हटाए होंगे तब ना खोखला बना होगा, ये होलो बना होगा, तो बड़का का वॉल्यूम माइनस छोटका का वॉल्यूम, बड़का का वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस छोटका के लिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, एच सेम रखेंगे कि पाइप को बाहर से देखो या अंदर से देखो हाइट चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, दोनों के पास कॉमन लेने को है पाई एच, हम लोग कॉमन ले सकते हैं पाई एच, यहाँ से बच जाता है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसको और ब्रेक करते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो पाई एच इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूटेगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, पाई क्या वैल्यू 22/7 इंटू हाइट कितना है 10, रेडियस कैपिटल आर क्या है तो 4, स्मॉल आर क्या है तो 3, यहाँ भी क्या लिखेंगे 4 और माइनस 3। ठीक है, 22/7 गुने 10 गुने 7 गुने 1, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दाही का 220 हो जाएगा, 220 तुम लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6, दो सम संख्याओं का बात हो रहा है, उसका मौसम होगा दो लगातार सम संख्या, फॉर एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं 4 लेते हैं, या कोई इंसान का मन होगा 8 लेने का और 10 लेने का, कोई इंसान का मन कर सकता है कुछ भी लेने का, ले सकता है 4 और 6, दो लगातार होना चाहिए, वो भी सम संख्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, उसका एस सी एफ पूछा जा रहा है, ध्यान समझना, 2 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2, 4 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अब दोनों में तुम्हें कॉमन चीज़ दिख रहा है 2, दोनों में कॉमन चीज़ दिख रहा है 2, ठीक है, यहाँ भी अगर कोई इंसान करता तो 8 को तोड़ता तो लिखता क्या 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 10 को क्या लिखता 2 मल्टीप्लाई 5, दोनों में क्या दिखता 2 ही दिखता कॉमन, यानी कि एस सी एफ क्या निकल के आएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2, समझ में आ गया होगा, इसका भी तुम निकालोगे रिजल्ट वही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7, बोल रहा है क्या चीज, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसा होता है, एक परिमेय संख्या ले लेते हैं हम लोग मान लो 2, एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √2, दोनों को ऐड करने पे नहीं कर पाएंगे ना, यानी कि परिमेय और अपरिमेय का सम जो होता है हमेशा अपरिमेय ही आता है, अपरिमेय नंबर ही आता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो कोई भी घटना की प्रायिकता के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कोई भी इवेंट जो होता है, कोई घटना होता है 1 और 0 की बात के बीच की बात होती है, 0 से ग्रेटर हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है, 1 से लेस देन हो सकता है, 1 के इक्वल हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा, तुम जब ध्यान से देखोगे तुम्हें यह दिखेगा 1 से बड़ा, क्यों दिख रहा है 1 से बड़ा, अगर 8 से हम डिवाइड करने चले 9 को तो 8 1 जा 8 मन बचेगा, पॉइंट दे करके 0 दिए फिर 8 1 जा 8, तो देख रहे 1.1 समथिंग समथिंग आ रहा है, यानी 1 से ज़्यादा जा रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ये नहीं हो सकता है और नहीं का डिमांड था, ये ऑप्शन सी होगा राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखना क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में कि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद, किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद, यानी कि हमें an पता है इस क्वेश्चन में कि 8n-2 है, an पता है हमें 8n-2 है, तो बोला इसका 7वां पद क्या होगा, उसके 7वें नंबर पे कौन से टर्म आने वाले हमें वो निकालना है, तो n के जगह पर कुछ नहीं करेंगे 7 डाल देंगे, इनके जगह क्या डाल देंगे 7, 8 मल्टीप्लाई इनके जगह पर 7-2, 8 से 56-2, यानी कि रिजल्ट हमें मिलता है 54, और 54 दिख रहा है तुम्हें ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए राइट होगा, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10,
यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 - A20 जो है वह 50 हो तो उसका सारवंतर हमसे पूछा जा रहा था। ध्यान समझना, A30 में से A20 को सब्ट्रैक्ट करने पे रिजल्ट हमें मिलता है 50, तो बोला है कॉमन डिफरेंस निकल के क्या आएगा। ठीक है, A30 को लिख सकते हैं A+29 डी, A20 को क्या लिख सकते हैं हम A+19D इज इक्वल टू 50। ठीक है, A+29D माइनस ए प्लस माइनस माइनस 19D इज इक्वल टू 50। देख सकते हो ऐसे हो जाता है कैंसिल, 29 में से 19 जाएगा तो क्या आ गया 10D बराबर आ गया 50, 10 25 50, डिफरेंस क्या निकल के आया 5। डिफरेंस हमें निकालना था जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे, बोल रहा है कि sin²45° - cos²42° का मान क्या होगा। भतीजी है sin²48° - cos²40° का मान, 42° का मान क्या होगा। कोई एक कुछ चेंज करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, या तो इसको या इसको। साइन को हम एजिटीज रहने दिए, ध्यान समझना, cos 42° को तो लिख सकते हैं हम cos में से 90° में से हम 48° माइनस कर लेंगे तो 42 पूर जाएगा। यहाँ रह गया sin²48° - cos 90 - थीटा, फॉर्मूला होता है साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह पर कितना हो गया 48° स्क्वायर। अब देखो ये टर्म से ये टर्म चला जाएगा, क्या बच जाएगा 0, रिजल्ट हमें मिलेगा 0 जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, तो देखो बहुत ही सुंदर और सुशील क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हमें कि कॉस थीटा, ठीक है, प्लस सेक थीटा का जो वैल्यू है वह 5/2 है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया जाए और सेक स्क्वायर थीटा कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, स्क्वायर का बात कर रहा है, जब कभी स्क्वायर की बात हो, सिंपल सा बात, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे। ये जो इक्वेशन ये हम लोग को दिया हुआ है इसमें दोनों पक्ष में क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे, एक प्रकार का इक्वेशन है क्योंकि इक्वल का साइन है, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का चढ़ जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से चल जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे दिक्कत है वो भी खत्म हो जाएगा। A+B का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, A²+B²+2AB, तो 2 cos θ * sec θ इज इक्वल टू 25/4। ठीक है, यहाँ तक साइन, देखो यहाँ पर ध्यान समझना, हमें ये चीज़ का डिमांड था तो इसको कुछ नहीं करेंगे, अब तो खुश है, हम लोग यही तो निकालना था, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही एजिटीज रहने देते हैं। ठीक है, प्लस ध्यान से देखना, अब तुम यहाँ पे भेजा लगाओ cos θ * sec θ 1 होता है, या sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos θ, cos से cos कैंसिल हो गया, बचेगा मेरे पास 2 ही, तो यहाँ से हो जाएगा 2 * इसके जगह रिप्लेस करने पर क्या बन गया 1/25/4। क्लियर है, जो निकालना था अब तुम लोग को खुद ब खुद दिखने लगा होगा कि क्या आने वाला है कहानी में। 25/4, 2 * 2 प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का, सॉरी प्लस का 2 इधर आया तो माइनस का 2, एलसीएम क्या दिया 4, यहाँ से हो गया 25 माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 1 के टेबल में 4, 4 टाइम्स यहाँ आ गया 8, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ गया 17/4 जो कि ऑप्शन नंबर तुम बी में दिख रहा होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, आसान क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है, बड़ा क्वेश्चन देखने से घबराना नहीं है। यदि ए बी सी और डी ई एफ समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज ट्रायंगल है सिमिलर, जिसमें बी सी 4 है और ई एफ 5 है, ए बी सी का एरिया दिया हुआ है, डी ई एफ का एरिया हमें निकालना है। चलो ठीक है, ऐसे हम बना लेते हैं एक फिगर ताकि समझ में आसानी हो, ए बी सी और दूसरा है डी ई एफ, ध्यान समझना बहुत आसान लगेगा। बी सी जो है वह है 4 सेंटीमीटर, ई एफ जो है इसका वह है 5 सेंटीमीटर। हम लोग पढ़ के आए थे जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा का वर्ग जो होता है क्षेत्रफल के रेशियो के बराबर होता है। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या होगा, तो उसकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होगा, तो बी सी बट्टा ई एफ का क्या होगा वर्ग होगा। ठीक है, यहाँ तक ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया है, ए बी सी का कितना 80, तो 80 डाल दिए, बाय इसका नहीं पता था तो छोड़ दिया एज इट इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई
एफ एज इट इज रहने दिए, बराबर बी सी का वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है, और ई एफ का वैल्यू भी पता है कितना, 5, इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है। 80 बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 5 80, इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 1 से करेंगे तो ये रह जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 25, 25 सही है, 125, 125 तुम्हें दिख रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन, कि एक वृत्त के एक खंड के दो कोण होते हैं, एक वृत्त के एक खंड के दो कोण क्या होते हैं आपस में बताओ कोई, एक वृत्त है, तुम लोग अनुमान लगाओ एक वृत्त के क्या बोला जा रहा है, एक खंड के दो कोण, एक ही खंड के एक ही टुकड़ा के दो कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, होते हैं ना, क्लास 9 में पढ़ना था ना, देखो तो बराबर होते, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी, ये तो 9th क्लास में पढ़ना था, एक ही वृत्त खंड पे बने कोण आपस में हो जाते हैं बराबर, ठीक है, 9th क्लास का ये कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5, ये चीज थ्योरम है हम लोग को पढ़ना 9th में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, एक शंकु है, एक कोण है, और उसके आधार का जो व्यास है वह है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई जो है वो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, बोला शंकु का आयतन क्या होगा, वो भी आंसर पाई के फॉर्म में छोड़ा है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, पाई के फॉर्म में छोड़ना है, पाई को एज इट इज रहने देते हैं, रेडियस की जगह क्या डाल सकते हैं, 10 का आधा 5, 5 का स्क्वायर इंटू हाइट की जगह पर क्या डाल सकते हैं हम लोग, 12, क्या डाल दिए 12, देखो 3 चौका 12 25 25 25 चौका 100, 100 पाई, तो 100 पाई दिख रहा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है, देखो इसमें बोल रहा है मध्य बिंदु निकालने के लिए, बिंदु दिया हुआ इतना और इतना, इसका मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट निकालना हो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, एक्स वाले को एक्स के साथ यानी -3 को जोड़ देते हैं 7 के साथ बाई 2, और वाई वाले कोऑर्डिनेट 4 को 8 के साथ ऐड कर देते हैं और बाई 2 कर देते हैं, तो आ जाता है तुम्हारा कितना 4/2, 12/2, 4 2 2 2 4 और 2 6 12, सही काटे ना 2.6, तो देख लो ऑप्शन नंबर पी 2.6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 17 क्या है, सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, बहुलक क्या होना चाहिए, लंबाई समान, असमान, काफी अधिक, क्या होना चाहिए, क्या समान होना चाहिए, एकदम सही बोला गया है, ठीक है। सूत्रों से, सूत्रों का उपयोग करके, सूत्र मतलब हम लोग पढ़े हैं बहुलक का मोड जिसको कहा गया है, ठीक है, बहुलक बराबर फॉर्मूला आता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बट्टा 2f1 - f0 - f2 × h, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए अगर हम लोगों को बहुलक निकालना हो तो वर्ग की लंबाई जो होती है ना, क्लास इंटरवल जो होता है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कुछ इस प्रकार के फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, 2.7, 5.2, 3 का माध्यक होगा, माध्यक बनाने के लिए सबसे पहले दिए गए परीक्षण को आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज किया जाता है, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, 2 के बाद उससे बड़ा 3 है, उससे बड़ा 5 है, उससे बड़ा 7 है, उससे बड़ा 8 है। अब इसको काउंट करो, देखने में कितना आसान है, 5 उंगली में से बीच उंगली निकालना कितना आसान है ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 5 में से बीच निकालना कितना आसान है, यानी कि क्या हो जाएगा इसका 5। वैसे फार्मूला याद रखना, ये 1 2 3 4 5 है, 5 है मतलब विषम है, ऑड ऑड की जब बात होती है तो ऐसे स्थिति में हम लोग फार्मूला याद रखते हैं, प्लस 1/2 टर्म्स, तो देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 है, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, 6/2 यानी कि 3, 3 मतलब
तीसरा नंबर पे कौन है, 1 2 3, यानी कि 5 है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 होगा। कौन सा पद हमें नहीं पता है 51 होगा, लेकिन कौन सा पद होगा तो हम मान लेकर चलते हैं एन मार्टर्म, यानी एन पद जो होगा वो क्या होगा, 51 होगा। क्या होगा, 51 होगा। एन के लिए फॉर्मूला पढ़ क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू किसके, 51 के। ए के जगह पर यानी कि फर्स्ट टर्म 11 है, प्लस एन नहीं पता, माइनस वन जो डिफरेंस पता तो है, 11 और 15 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 4 का, बराबर कितना हो गया, 51। एन माइनस वन इंटू फोर इज इक्वल टू 51, प्लस 11 इधर है तो माइनस का 11, यानी एन माइनस वन इंटू फोर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40, 4 दाई का 40, यानी एन इज इक्वल टू 10, माइनस का इधर है तो प्लस का 1, सो एन इज इक्वल टू 11, एन इज इक्वल टू 11, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो, एक शंकु की बात हो रही है, एक कोण का बात हो रहा है, एक कोण और दूसरा क्या है, सिलेंडर है, दोनों का हाइट आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों का हाइट आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों का हाइट आपस में इक्वल है, इसका भी हाइट h, इसका भी हाइट h है, और बोल रहा है क्या उनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है क्वेश्चन, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। हाइट इक्वल है, व्यास भी इक्वल है, डायमीटर भी दोनों का इक्वल है, और इसी से ये फॉर्मूला बन के आया था, 1/3 होता है इसका, पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का पर क्या आया था हम लोग, पाई आर स्क्वायर एच, देखो ध्यान से, सेम चीज़ दिख रहा है, ये से ये पंगा ले लिया है, कुछ नहीं बचा, 1, ये 3 है, डिवाइड का इधर आया तो मल्टीप्लाई का, 1:3, कहने का मतलब क्या है, इसी का जस्ट तिगुना होगा ये, इसी का जस्ट तिगुना होगा, कि अगर ये 1 होगा तो ये 3 होगा, ये 2 होगा तो ये 6 हो जाएगा, याद रखना हाइट सेम होगा तो। इसका वॉल्यूम मान लो सपोज दैट कोई बोलता है 100 है तो बोलना इसका क्या होगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई बोल देगा 200 है तो इसका बन जाएगा 600। ठीक है, तिगुना हो जाएगा, यानी कि 1:3 पक्का सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होती है, असंगत है क्या होगा, अच्छा एकदम सही बोल रही, समानांतर होगा, सही बोल रही, संगत होता है यानी कि उस पे असर उसका होता है, कोई लाइन किसी लाइन पे असर करता है तो संगत होता है। ठीक है, सही बोला गया बात, कि जैसे एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप कर गया तब भी कहेंगे संगत है, एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया तब भी बोलेंगे संगत है, एक लाइन दूसरे लाइन को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है तो असंगत है, एक संगत में नहीं है, ऑप्शन सही है ना, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है, 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 के हल होंगे। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, जो बच्चा को नहीं भी आता है वो ऑप्शन डाल करके चेक कर सकता है, ऑप्शन डालने का मतलब x की जगह x का वैल्यू, y की जगह y का वैल्यू, जैसे कोई इंसान ऑप्शन ए डालता है, मान लो सपोज दैट त्या 2 2 जा 4, और 4 डालता है यहाँ पे तो 4 3 जा 12, दोनों ऐड करने पे 11 जीवन में नहीं पूरेगा, ऑप्शन ए गलत होगा, लेकिन हम लोग अगर सॉल्व करने चलते तो कैसे बनाते देखना ध्यान से, 2x + 3y = 11, दूसरा इक्वेशन है 2x - 4y = -24, चलो यहाँ माइनस कर दिए, इसको गायब कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, साइन चेंज कर दिए, ये से ये कैंसिल हो जाता है, और 4 3 7y हो जाता है इज इक्वल टू 24 में 11 जोड़ने पर 35 हो जाता है, और 7 के पारा में 7 5 35, वाई इज इक्वल टू आ जाता है 5, वाई इज इक्वल टू 5, प्लस का ऑप्शन हमको दिख रहा है बस ऑप्शन डी में ही, ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे, ऑप्शन डी को टिक कर देते हैं, एक्स भी निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 23, समीकरण x + 2y जो है वह 9 के इक्वल है, दूसरा जो है x = 5 है तो y का मान क्या होगा, x = 5 रखना है और y का वैल्यू हमें बता देना, कितना इजी क्वेश्चन था, तो 2y = 9, प्लस का 5 माइनस का 5 हो गया, एकदम रेडीमेड क्वेश्चन, यहाँ से हो गया 4, ये कितना टाइम्स कैंसिल, 2 टाइम्स कैंसिल, y = 2, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्न नांकित में से किस प्रकार का होगा, एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करता है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करता है,
यानी कि क्या है यह? विरोधी अविरोधी है। क्या है? अविरोधी अविरोधी है। विरोधी कब होता है? जब उसका हल नहीं निकालने में सक्षम हो। ये तो हल निकाल के दे रहा है जी सर। ना, यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है ना, ओनली वन सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25। जब दो चर वाले समीकरण का आरेख संपाती हो, कितना आसान क्वेश्चन है, संपाती हो, एक लाइन पे दूसरा लाइन चल दे, अनगिनत हल, अनगिनत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हर जगह टच कर रहा है, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि एक्स माइनस टू आई जो है वह 3 है, जबकि दूसरा बात बोल रहा है कि 3x प्लस के वाई जो है 1 है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय का मतलब दूसरा कोई हल नहीं है, तो कब होता है? जब ए वन बाई ए टू डज नॉट इक्वल टू आता है, ए वन बाई टू डज नॉट इक्वल टू आता है बी वन बाई बी टू के, तो क्या होता है? केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, तो ऐसे केस में होता है। तो ध्यान समझना, ए वन के जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, वन है, ए टू के जगह पर क्या है, 3 है, डज नॉट इक्वल टू का साइन है, और बी वन के जगह पर क्या है, माइनस टू है, बी टू के जगह पर क्या है, के है। ध्यान समझना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्या है, के डज नॉट इक्वल टू क्या आया, -6, के डज नॉट इक्वल टू क्या आया, -6। पक्का समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बी, जी सर। एकदम ठोको बजा के लगाना है ऑप्शन बी को। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 27। क्वेश्चन नंबर देखो 27 में क्या बोला जा रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 = 0 के मूल बराबर है तो पी का मान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 27। इक्वेशन है एक्स माइनस टू आई इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 = है किसके, 0 के, मूल बराबर हो तो क्या होगा कहानी, ठीक है। अल्फा और बीटा दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो क्या होगा, पी का वैल्यू हमसे पूछा ये जा रहा है, आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बी होगा, लोगों का कहना है ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो मूल बराबर कब होते ये भी समझना जरूरी है, जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, मूल बराबर डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला पड़े बी स्क्वायर माइनस 4ac, किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, तो b की जगह पर क्या है, p है, माइनस p है, तो माइनस p का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a की जगह क्या है, देखो कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, और c की जगह क्या है, 4 है, बराबर किसके, 0, माइनस p का स्क्वायर क्या होगा, प्लस p स्क्वायर, 4 चौका 16, माइनस 16 इज इक्वल टू 0, p स्क्वायर इज इक्वल टू -16, इधर आता है तो +16, p स्क्वायर इज इक्वल टू 16 को लिख सकते हैं, +-4 का होल स्क्वायर, समझ में आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर गया तो p इज इक्वल टू क्या आया, +-4, ठीक है, सॉल्यूशन का पार्ट, ट्रैक्टर का आवाज नहीं था, तो +-4 देखो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, कितना आसान क्वेश्चन है, द्विघात जिसका घात 2 हो वही द्विघात समीकरण होता है, तो चलो बात करते हैं द्विघात समीकरण की, तो इसमें से द्विघात समीकरण है बोल रहा है, नहीं होता तो आंसर तो डी मार देती, ठीक है। अब मेरे विचारधारा से इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, तुम्हारे विचारधारा से बुक का, अच्छा तो चेक कर लो, सी कहना है लोगों का, तो चेक करते हैं हम लोग, 3x² + 2 इज इक्वल टू ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देते हैं, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ध्यान समझना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लगता सही बोल रहा है आंसर, -2ab, 2 × a × b के जगह पर कितना x, अब +4 चेक कर लो पता चल जाएगा, 3x² + 2 इज इक्वल टू 9 + x² - 6x + 4, एक्स स्क्वायर अगर जिंदा रह गया मतलब होगा, मर जाएगा तो नहीं होगा, मतलब खत्म हो जाएगा तो नहीं होगा, 3x² + x² है तो -x², ठीक है ना, +2 - 9 माइनस है तो +6x + 4 इधर है तो -4 = 0 बन गया, सॉरी स्क्वायर छूट गया था, यहाँ से चला गया 2x², अब देखो 9 में से 2 गया तो -7 और -4 -11 + 6x = 0, लगता है सही
ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार सबको चेक करना, पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 29। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। वास्तविक भी है और समान भी है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होगा, फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 29, समझा बात को? हाँ ना रे, डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होता है। चलो हम चेक करके बता देते, ज़्यादा मामे के कहानी नहीं करते। डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होगा, हम लोग फॉर्मूला पढ़े सीधा आचार्य जो बताए थे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए। सीधा आचार्य ये बोले थे एक्स बराबर, ध्यान से समझना, माइनस बी, तो बी के जगह पर तुम देखो क्या है, बी ही है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी के जगह पर क्या है, जीरो है, बाई टू ए। रिजल्ट हमें मिलता है माइनस बी बाई टू ए, जीरो का रूट तो जीरो ही हो जाएगा, तो यही दे रहा है ऐसा ऑप्शन। कहाँ तुम्हें दिख रहा है? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 30 इसी पेज में हटा लेते हैं, क्योंकि कहा गया सेव पेज, सेव ट्री, सेव ट्री, सेव लाइक। देखो क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल बराबर है, तो जब मूल बराबर है तो डी किसके बराबर? जीरो के बराबर होंगे। तो डी बराबर फॉर्मूला पढ़ गया था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके बराबर? तो जीरो के बराबर, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का इधर आया तो प्लस का फोर ए सी। ऐसा ऑप्शन नंबर हमें डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 32, इसका ऑप्शन ए राइट होगा। इसका सोल्यूशन जानना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, उस पर क्लिक करके देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 33। क्वेश्चन नंबर 33, थ्री रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस रूट थ्री बराबर जीरो का विवेचक डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक पूछा जा रहा है, डी निकालना है। फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी के जगह पर देख सकते हो 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए के जगह पर देख सकते हो थ्री रूट थ्री, और सी के जगह देख सकते हो रूट थ्री। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 तिहाई 12 मल्टीप्लाई रूट थ्री, रूट थ्री रूट नौ, नौ का मतलब 3, यानी आ जाता है 100 माइनस 12 तिहाई 36, दैट मीन्स 64। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखो क्या है, समांतर श्रेणी माइनस थ्री, यानी ए जो है माइनस थ्री है, डी निकल के आएगा माइनस वन बाई टू, माइनस का थ्री तो माइनस माइनस प्लस का थ्री, तीन में से आ जाएगा अढ़ाई, अढ़ाई का मतलब क्या हो जाएगा 5/2। 11वां पद बोल रहा है, यानी ए प्लस 10 डी निकालना है, ए के जगह पर लिखेंगे माइनस थ्री प्लस 10 इंटू डिफरेंस के जगह 5/2, 2 × 5 = 10, 5 = 25, 25 में से 3 गया तो बन गया 22। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 35। समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद, ये भी आसानी क्वेश्चन है, 10वां पद निकालना है, ए 10 निकालना है, यानी ए प्लस 90 की बात हो रही है। ए की जगह पर देख सकते हो 2 है, 9 तो 9, डिफरेंस कितना का है, 2 और 7 के बीच में 5 का, 9 × 5 = 45 और 2 = 47। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 36 में किसी एपी के 15 पदों का योग, किसी एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसका प्रथम और अंतिम पद पता है। कितना आसान क्वेश्चन है, यह जो है वो 15 है, प्रथम पद हमें पता है 5, अंतिम पद हमें पता है 75। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, लास्ट टर्म हो तो डायरेक्ट एन के जगह पर 15/2, ए के जगह पर 15 और अंतिम पद 75। 15/2, 75 और 15 को जोड़ दिया जाए तो 70 + 10 = 80 और 90, सही बोले ना, ये कट जाएगा कितना बढ़ते 45 से, 45 को 15 से गुना कर देना, मेरे हिसाब से 600 आना चाहिए, तुम लोग के हिसाब से सही बोले ना 600, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम 200 प्राकृत संख्या का योग, नेचुरल नंबर का सम, फॉर्मूला हम प्रूफ भी करके बताए थे वीडियो में ही, छोटा मोटा वीडियो में, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन के जगह पर 200 टर्म का बोल रहा है, तो 2 n + 1 यानी 200 + 1 = 201 का बट्टा में 2 से कट गया 100, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 1 0 0
ऐसा दिख रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 38। तो देखो क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन क्या है कि AP 13, 19 एंड सो ऑन 205 के पदों की संख्या हमें निकालनी है। हलवा है बनाना, देखो ध्यान से। अंतिम टर्म ध्यान से समझना, माइनस पहला टर्म बट्टा डिफरेंस, इतना का डिफरेंस है 6, आप प्लस में कर देना एक, सबसे सस्ता मेथड। अब देखो 200, 5 में से 13 को ले जाएंगे खींच खाच कर, तो कितना बच जाएगा? तो बच जाना चाहिए, कितना बच जाना चाहिए देखो ध्यान से, ये बच गया तुम्हारा 192। सही बोले क्या? है पक्का ना? जोड़ के देखो ना, पुट जाएगा। हाँ ठीक, जोड़ बट्टा में 6 प्लस 1, 6 के 12 में देखो 6 तरीक 18, बच गया कितना 1, 6 दुनी का 12, आंसर 32 1 33। कितना सस्ता मेथड, जो कि ऑप्शन डी में तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, किसी एपी का दूसरा पद 4 है, दूसरा पद यानी A2 जो है वो 4 है, A2 जो है 4 है, A2 को लिख सकते हैं A+D बराबर किसके? 4 के। सातवां पद यानी कि A+6D बराबर कितना है रे? -11। सारवंत्र पूछ रहा है तो सारवंत्र को बचा लेते, इसको घटा देते, हटा देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ई पंगा ले लिया। अब देखो इसमें से 6D छुट्टा जैसा इससे मांगेगा, तो -5D इज इक्वल टू 11 और 4 हो गया 15, अब 5 के 12 में होता है 5 3 के 15, -C की लेग उधर चले गया, डी इज इक्वल टू -3, डिफरेंस -3 जो कि दिख रहा है ऑप्शन डी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, बहुत बच्चा घबराता है लेकिन इससे आसान कुछ नहीं होता है, कि पहला पद जो है वो दिया है, दूसरा पद ए है और तीसरा पद जो है दू है, तो बोल रहा है ए का मान क्या होगा? ठीक है ना, तीन क्रमागत पद का पद है, ए का मान कितना? आसान है समझना, A2 - A1 जो होता है वो बराबर होता है A3 - किसके रे? A2 के। बात समझा या नहीं समझा? ई कहानी से भी बनेगा, दूसरा कहानी से भी क्वेश्चन बनेगा, बताएंगे दोनों कहानी। तो A2 बोले तो दूसरा टर्म ए, A1 बोले तो पहला दूसरा सॉरी क्या हम बोले, A2 बोले दूसरा टर्म ए, A1 बोले तो पहला टर्म 4/5 बराबर, A3 बोले तो 2 और A2 बोले तो ए। बात समझा? माइनस का इधर आया तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का इधर गया तो प्लस का हो जाएगा। बात समझा? कितना आसान, ए बन गया 2 बराबर 5 2 10, 10 4 14/5, 2 7 14, देखो तो 7/5 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा ऑप्शन सी में। और जो बच्चा ऐसे नहीं बनाने का, ऐसे मन करे बनाने का, ध्यान समझना, ए जो है वह पता है 4/5 और A3 यानी तीसरा टर्म हमें पता है कितना 2, तो A3 के जगह पर लिख सकते A+2D बराबर किसके? 2 के। अब देखो A के जगह जैसे ही पुट कर देंगे 4/5, प्लस का इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, ओ सॉरी माइनस का था, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। देखो कहानी वही बनेगा, तो ऐसे ही बना सकते थे। ठीक, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। जब बस यहां पे जो है प्लस होगा ये वैल्यू, ठीक है, तुम इससे भी बनाकर देख लेना, आंसर तुम्हें वही आएगा। देखो तो यहां से भी हम चेक कर ही देते हैं, जब वीडियो बना ही देते हैं इसका, तो ए की जगह पर हम डाल सकते हैं 4/5 + 2D इज इक्वल टू 2, क्लियर है, बना ही देते हैं इसका सॉल्यूशन आगे, तो बन जाएगा 2D इज इक्वल टू 2, प्लस का इधर है तो माइनस का 4/5। अब देखिए 2D इज इक्वल टू 5 2 10, 10 में से 4 गया 6, तो 6/5, 2 से कट गया 2 3 6, तो डिफरेंट इज इक्वल टू क्या आ गया? डिफरेंट तो कितना आया है 3/5 ना, डिफरेंस कितना आया है? कॉमन डिफरेंस 3/5 का आया है, फर्स्ट टर्म हम लोग का क्या दिया हुआ था 4/5, तो देख सकते हैं 4/5 में डिफरेंस को ऐड किया जाए, सेकेंड टर्म हमें निकल के आ रहा है 4 3 7/5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, तो टारगेट बुक में ऑप्शन जो दिया गया है बी बिल्कुल गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 41, तो क्वेश्चन नंबर 41 में ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन की समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 होगा? क्या नंबर का पद 82 होगा हमसे पूछा जा रहा है।
अरे कौन सा पद 82 है, बिल्कुल। तो ए एन इज इक्वल टू मान लेते हैं 82, 41 ना। एन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ गया थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो है 82 के इक्वल है। ए की जगह पर तुम लोग देख पाओगे क्या है, तो 2 है। एन के जगह पर नहीं देख पाओगे क्योंकि निकालना था, डिफरेंस देख पाओगे 4 है, तो 4 रख दिए बराबर 82, ठीक है। अब देखो एन माइनस वन इंटू फोर इज इक्वल टू, 82 में से 2 गया तो 80 और ये 20 कैंसिल, 20 टाइम्स एन इज इक्वल टू आ गया 20 प्लस 1 21, 21 दिख रहा है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, दिया गया है आकृति, आकृति दी हुई है यहाँ पे ए बी सी डी और ये है ई, ये एक्स है, ये 34 है, ये 16 है, ये 17 है, मतलब 17 है। हमसे पूछा जा रहा है एक्स का वैल्यू कितना, आसान है, देखो ना 17 दूनी 34 तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, ऑप्शन बी, ठीक है, कितना आसान था। 43 क्वेश्चन नंबर 43 चित्र में, तो देख लेंगे चित्र में क्या चित्रकला किया गया है, देखो ध्यान से समझना। ए बी सी डी ई, ई लाइन ई लाइन के पैरेलल है, मतलब पैरेलल है, और इसमें दिया है क्या चीज कि ए बी, हाँ हाँ ए डी रेशियो ए बी जो है एक्स है, ए डी रेशियो ए बी जो है वो क्या है एक्स, ए डी बाई ए बी रेशियो इज इक्वल टू ए रेशियो एक्स, अच्छा इसका बाई इसका इज इक्वल टू ए रेशियो ई सी के बराबर दिया एक्स, तो एक्स बराबर होगा, कितना आसान क्वेश्चन होगा। देखो ना ए डी, ध्यान समझना, ए डी रेशियो गया है पूरा ए बी के, ध्यान समझना, और ए ई पूरा रेशियो किसके जाएगा, पूरा रेशियो किसके जाएगा ए सी के, किसके जाएगा ए सी के, ध्यान समझना, ए ए डी बाई ए बी, तो ए ई बाई ए सी, ए बाई है क्या ऑप्शन सी राइट होगा, क्या ऑप्शन डी है, सी है, हाँ ठीक है, बोल सकता था टारगेट कुछ भी, इसलिए बोले थे ऑप्शन डी ना, लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 44 बोला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री है, ध्यान से समझना, एंगल ए वो 90 डिग्री है, बीसी हम नाम बैठा सकते ए बी सी, बी सी जो है वो 13 है, ए बी जो है 12 है, तो ए सी का मान कितना आसान होगा, बहुत आसान होगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर रूट अंडर 169 माइनस 144, 5 आएगा आंसर, टेंशन नहीं लेना है, माइनस करने पर 25, 25 का मतलब 5, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में बोला है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 तथा 40 हो तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी, एक समचतुर्भुज है रोम्बस है, उसका डायगोनल हम लोग को पता है, ये लहरिया डायगोनल भाग गया लहराते हुए, एक है 40 एक है 30, हमसे पूछा रहा है कोई एक साइड का लंबाई कितना, ईजी है ये 30, तो हम लोग जानते हैं डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, ये 30 है तो आधा होगा 15, ये 40 है तो आधा होगा 20, हमें ये निकालना है हाइपोटेनस, कितना आसान, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर रूट अंडर 400 प्लस 225 यानी कि 625, बोले तो 25, 25 ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 एबीसी एक ट्रायंगल है, 46 एबीसी एक ट्रायंगल है, तो बना देते हैं नाम, ए बी सी एक ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल में डी ई लाइन जो है वह बी सी के पैरेलल है, पार्ले है, ए डी जो है 3 है, ए डी जो है 3 है, डी बी जो है 5 है, ए ई जो है 4.8 है, तो बोला ई सी क्या होगा, इससे आसान क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो 3/5 बी नहीं पढ़ना, 3/5 बराबर 4.8/EC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे लहरिया कट में, पॉइंट उड़ाने के लिए बाई 10 दे दिए, ठीक है ना, समझ में आना, तो पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 के पर में 5 दूनी का 10 और 2 से कट गया कितना 24, 2 से कट गया 2 से 24 ना 24, कितना कट गया 24, ठीक है, और ये 3 × 3 3 8 24 यानी 8 निकल के आया, 8 निकल के आया ऑप्शन सी, ठीक है। देखो
कुत्ते की आवाज को नजरअंदाज करते हुए। क्वेश्चन आगे देखते हैं, ए बी सी में बी सी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी, बी सी को डी तक बढ़ाया गया है। बी सी को देखना, बी सी को डी तक बढ़ाया गया है। ए सी डी बराबर 110 डिग्री, लगता क्लास 7 का कॉन्सेप्ट आने वाला है। एंगल बी ए सी 57 डिग्री है, 57 डिग्री है, 57 डिग्री है। तो ए बी सी सही बोले थे, क्लास 7 में हम लोग पढ़े थे कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का योग, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण जो बराबर होते हैं उसके सम्मुख अंतःकोण के योग के बराबर होते हैं, यानी कि 57 डिग्री में एंगल ए बी सी को ऐड कर दिया जाए तो 110 के इक्वल हो जाएगा। यानी एंगल ए बी सी बराबर 110 डिग्री माइनस का 57 डिग्री, माइनस करने पे तुम्हारा आएगा 53 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में है। समझ में आ गया होगा बात। 48 नंबर क्वेश्चन, सम द्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा बराबर वाला है त्रिभुज समद्विबाहु, ए सी बराबर है, लहरिया फिगर बनाने में गलती कर दी, ए सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, ए सी बराबर है, छोड़ हटा कुछ बना देते हैं, ए सी बराबर है बी सी के, ये बराबर है इसके, इसको भूल जाते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है। अब बोला जा रहा है इसमें कि ए वी स्क्वायर, ध्यान समझना बहुत हलवा है, कि बोल रहा है क्या चीज़ कि ए वी स्क्वायर जो है वह बराबर है 2AC² के, क्यों हुआ ऐसा घटना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये घटना हुआ था, ए वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC को लिख सकते हैं हम लोग, AC² + AC² AB² है जिट इज इक्वल टू AC, रहने दिए। और AC किसके बराबर, क्वेश्चन में गिवन है कि AC जो है वह बराबर है किसके, BC के, तो इस AC की जगह पर डाल सकते हैं BC। तो देखो ध्यान से, यहां बोल रहा है AC² + BC² किसके बराबर है, AB² के, है ना। यानी कि ये लंब हो गया, मान लो ये आधार हो गया, तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। कब होता है कर्ण, जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है तब होता है। तो ए बी जो है कर्ण है, तो कर्ण के सामने होता है 90 डिग्री एंगल, और हमसे पूछा जा रहा था सी के सामने क्या होगा, तो 90 डिग्री एंगल होगा, यानी ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 49, 50 करेंगे और उसके बाद पार्ट टू में बनेगा 51 से क्वेश्चन, ठीक है ना। कि 49 में ए बी सी में डी ई पैरेलल है बी सी के, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें बोला जा रहा है डी ई जो है वह पैरेलल है बी सी के, ये दोनों पैरेलल है आपस में, ठीक है। ए डी जो है 3 है और बी डी जो है 5 है, जबकि ए ई जो है 1.8 है, तो ए सी क्या होगा, ए सी मतलब पूरा क्या होगा, ए पूरा निकालने के लिए पहले निकालना होगा ई सी, ई सी में ऐड कर देंगे 1.8, तो वही कहानी 3/5 बराबर 1.8/ ई सी। ध्यान से देखना, पॉइंट उड़ाने के लिए 10 दिए, पॉइंट कर दिए खत्म, ये कट गया 2 से, 5 से 5 × 2 = 10, 2 से कट गया 9, 3 से कट गया 3 × 3 = 9, यहाँ कुछ नहीं, एक एक बट्टा बचा। EC = 3, EC निकल के आया 3, 3 में 1.8 ऐड किया जाए, 3 में 1 पॉइंट ऐड कर दिया जाए 8, तो 4.8 हो जाएगा, 4.8 ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि तनी तनी को धिया पोता बनाता है, क्वेश्चन क्या है कि 2√3 −√2 किस पाद में है, किस चतुर्थांश में, हमें ये बताना है। ये होता है प्रथम चत, सॉरी क्या हम लिख रहे हैं, ये होता है एक्स एक्सिस, यह होता है वाई एक्सिस, ध्यान से समझना, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें निगेटिव पॉजिटिव, इसमें निगेटिव निगेटिव, और इसमें आता है पॉजिटिव और वाई निगेटिव। तो यहाँ रिजल्ट में क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, यानी चतुर्थ चतुर्थांश ना, चौथमा पाद में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो क्या करना है रे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है,
हाँ, वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, अगर कुछ दिक्कत है किसी को, किसी क्वेश्चन में परेशानी होगा तो उसके लिए हम अलग से इंडिविजुअल वीडियो बना करके डाल देंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लेना ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहे।